तो अभी यहाँ पे कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ये देखिए हमारी जो बल्ब है वो जल चुकी है, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए अभी ये हमने नीचे वाले स्विच से इसको ऑन किया है, अब हम इसको ऊपर जाके इसको बंद करना चाहते हैं, तो ये वाली स्विच हमारी ऊपर की है तो इसको हमने बंद कर दी। बंद करने पे यहाँ पे कनेक्ट हो गया। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो पे थ्री वे स्विच का, अक्सर इस थ्री वे स्विच का यूज होती है आपकी लेडर में, यानी जहाँ पे घर पे सीढ़ी होती है वहाँ पे इस टाइप के स्विच की रिक्वायरमेंट होती है, यानी इस टाइप के स्विच के कनेक्शन होती हैं। तो वही आज मैं आपको बल्ब और इस कार्डबोर्ड के माध्यम से जो है मैं आपको बताने वाला हूँ। एक हमने बल्ब ले ली है और यहाँ पे कार्डबोर्ड में हमने दो स्विच बना ली है। इस दो स्विच में हम कनेक्शन करके आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे जो है आप थ्री वे स्विच का कनेक्शन कर सकते हैं और कैसे जो है ये वर्क करता है, वो हम आपको आज फिजिकली जो है इस वीडियो में समझाने वाले हैं। सो आई होप गाइज कि आपको ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं स्कूल लाइफ में या कॉलेज टाइम पे, तो इस तरीके से प्रोजेक्ट बना के भी आप अपने स्कूल या कॉलेज में सबमिट कर सकते हैं। तो बेसिकली मुझे पता है कि हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो इलेक्ट्रिकल फील्ड से ज़्यादा मैक्सिमम्स लोग हैं, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं मैक्सिमम 99% व्यूअर्स जो होते हैं वो सिर्फ वीडियोज़ को देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ गाइज, आप लोग वीडियोज़ देखते हैं, हमारी वीडियोज़ पसंद आती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम मोटिवेट हो और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा रीच मिलेगा। सो गाइज आज की इस वीडियो पर जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि भाई यहाँ पे हम आपको थ्री वे स्विच का कनेक्शन बताने वाले हैं, जो मोस्टली आपके सीढ़ी मैंने लेडर्स जो घर के लेडर्स होते हैं या होटल या कहीं पे भी जो सीढ़ी होती है वहाँ पे टू वे स्विच लगती है, यानी आप उसको नीचे से भी ऑपरेट कर सकते हैं, ऊपर से भी ऑपरेट कर सकते हैं, कहीं से भी उसको ऑपरेट कर सकते हैं, यानी अपने बल्ब को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे गाइज, बेशक उससे पहले गाइज अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर ये वीडियो पसंद आता है तो गाइज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आज का इस वीडियो को लाइक में रखें खाली 500, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग 500 लाइक तो इस वीडियो को दे ही देंगे। ज़्यादा लेंदी वीडियोज़ नहीं होने वाली है, मैं आपको आने वाला हूँ कैसे जो है आप कनेक्शन कर सकते हैं। और बेसिकली ये वीडियोज़ बनाने का ये मकसद था कि थ्री वे स्विच कि कनेक्शन कैसे होती है और वो कैसे वर्क करती है, मेन चीज़ दिखाने का यही मकसद था, ठीक है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे एक बल्ब ले लिया है जिसमें हमने वायर कनेक्ट कर रखा है, अभी हम आपको बताएंगे कैसे कैसे आपको कनेक्ट करना है। साथ में आपको समझाने के लिए फिजिकली हमने यहाँ पे कार्डबोर्ड में दो स्विच हमने बना लिए, ठीक है। तो अब इसको फटाफट हम कनेक्शन करते हैं, कनेक्शन करने के बाद गाइज देन फिर आपको हम समझाते हैं कि ये कैसे कैसे ये जो है वर्क करता है गाइज। सो सबसे पहले हम आपको दोस्तों ये बताएंगे कि भाई स्विच का कनेक्शन कैसे किया जाता है। नॉर्मली अगर आप थ्री वे स्विच लेते हैं तो उसमें आपको थ्री पॉइंट मिलती है। नॉर्मली जो आप घर पे स्विच यूज़ करते हैं उसमें दो ही पॉइंट होती है, ठीक है। बट इस वाले केस में जो थ्री वे स्विच होती है जो लेडर पे यूज़ होती है, जो अपनी सीढ़ी के लिए लाइट के लिए यूज़ होती है, उसमें तीन पॉइंट होती है। तो तीन पॉइंट में क्या होता है कि ये वाला पॉइंट तो होता है आपका लैन, यानी मेन लाइन होता है, उसके बाद लैन वन और लैन टू। इसी तरह से दो स्विच होते हैं, इसमें भी लैन वन लैन और लैन वन और लैन टू। अब इसमें कनेक्शन कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ, और ये एक्सपेरिमेंट जो है ना आपके प्रोजेक्ट में भी काम आता है। स्कूल लाइफ में आप इस तरह से प्रोजेक्ट बना के जमा कर सकते हैं गाइस, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट एंड तक देखना, ये छोटे छोटे साइंस प्रोजेक्ट में आपको क्लब हो जाते हैं। तो अभी क्या करना है, अब हमें लाइन वन से लाइन टू यानी दो स्विच के उल्टा अपोजिट में आपको कनेक्शन करना है, ठीक है। तो इस तरह से कनेक्टिंग इस तरह से हम सो यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कैसे कनेक्शन करना है आपको। तो ये जो है आपको वायर को छील लेना है इस तरह से, और यहाँ पे क्या करना है अब आपको इस तरह से जो है ना इसको ट्विस्ट कर देना है, देखो ठीक है। अब इसको हमें यहाँ पे लगाना है, तो यहाँ पे हम इस तरह से यहाँ पे वायर इसका कटिंग कर लेते हैं। देखिए गाइज हमने यहाँ पे दोनों को आपस में जो है कनेक्ट कर दिया, यानी स्विच वन का लाइन वन से स्विच टू का लाइन टू को कनेक्ट किया है, और स्विच टू का लाइन वन से स्विच वन के लाइन टू से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब ये दो पॉइंट जो है वो हमारी लाइन के हैं, तो अभी क्या होगा कि ये जो हम दोनों में कोई भी एक पॉइंट आपके मेन पॉइंट होगा और एक से आपकी बल्ब की कनेक्शन होने वाली है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे हम, ये हमने बल्ब ले रखी है, इसकी न्यूट्रल तो कॉमन होगी, फेस जो है फेस हम यहाँ से कट कर लेते हैं, और कट करने के बाद इसको हम कनेक्ट करके आपको दिखाने वाले हैं।
छीलने के बाद क्या करना है आपको, सिंपली जो है यहाँ पे कनेक्ट कर देना है कुछ इस तरीके से। देखो यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया है, ये देखो ये कनेक्ट कर दिया है। अब जो इसकी जो मेन छोर है, जो मतलब मेन फेस जो आने वाली है, वो हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पे कनेक्ट करना है। अब आप इतने में तो आप समझ चुके होंगे, जो हमारी न्यूट्रल आ रही है, न्यूट्रल डायरेक्ट आ रही है आपकी, और जो फेस है, फेस हमारी इस स्विच के थ्रू आएगी, ठीक है। अभी यहाँ पे नॉर्मली कनेक्ट कराने के लिए हमें एनओ और एनसी पॉइंट बनानी होगी, तो उसके लिए हम एनओ और एनसी पॉइंट दो बना लेते हैं, ताकि आपको हम इजीली जो है वो समझा सकें। अब देखो गाइस, नॉर्मली हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब होगा क्या, देखो हम आपको पहले, सबसे पहले मल्टीमीटर से आपको चेक करा देते हैं, इसकी कंटिन्यूटी हम आपको चेक करा देंगे, उसके बाद फिर हम आपको प्रैक्टिकली प्रूफ दिखाने वाले हैं, ठीक है। ये हम ले लिए मल्टीमीटर, ठीक है, ये मल्टीमीटर हमने ले लिया है। अब क्या करना है, देखो अभी नॉर्मली हमारी यहाँ पे फेस आ रहा है, और अभी यहाँ से हमारी कनेक्ट नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई है। अब मान लो इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ, तो कुछ कंटिन्यूटी नहीं हो रही है, बट अगर मैं इस स्विच को अगर यहाँ कनेक्ट करता हूँ, तो आपको कंटिन्यूटी देखने को मिलेगी, ठीक है। इस तरह से अगर मैं इस स्विच को यहाँ ले लेता हूँ नीचे की तरफ, तो आपको जो है आपको कंटिन्यूटी नहीं देखने को मिलेगी, देखो नहीं मिल रही देखने को। बट अगर मैं इसको यहाँ से कनेक्ट करता हूँ इस वाले से, तो आपको कंटिन्यूटी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये जो स्विच है वो नॉर्मली हमारी जो है बनके तैयार हो चुकी है, इसी तरह से जो है आपकी स्विच काम करती है। नॉर्मली जो है एक तरफ जो कनेक्ट होगा और एक तरफ जो है वो ऑफ होगा, ठीक है। तो मान लीजिए मेरे दोनों इस तरफ कनेक्ट है, ये देखो दोनों मेरे इस तरफ कनेक्ट है, तो अभी ये बल्ब जो है वो जलेगा नहीं। अब मैं क्या करता हूँ, इसको प्लॉग इन कर लेता हूँ। प्लॉग इन करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे जो है ये वो करने वाला है, ठीक है। देखो गाइस, हमने यहाँ पे सप्लाई कनेक्ट कर दिया है। अभी यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, यहाँ देखिए टेस्टर पे सप्लाई हमारी आ चुकी है। अभी आप यहाँ पे चेकआउट कर पा रहे होंगे, शायद आपको वीडियो पे विजिबल हो पा रहा होगा। तो ये जो है अब हमने कनेक्ट कर दिया है। अब मैं आपको बल्ब जला के दिखाता हूँ कि कैसे जो है ये वॉक करेगा, ठीक है। अब नॉर्मली क्या है कि इस स्विच को हमें इस वाले पे स्विच पे कनेक्ट करना है, और ये वाला स्विच इसके साथ कनेक्ट होना चाहिए, तभी जाके जो है ये काम करेगा। तो नॉर्मली हम दो चीज़ कर लेंगे, क्योंकि अभी हम ये जो है आपको दिखा रहे हैं। तो अभी यहाँ पे कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ये देखिए हमारी जो बल्ब है वो जल चुकी है, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए अभी ये हमने नीचे वाले स्विच से इसको ऑन किया है, अब हम इसको ऊपर जाके इसको बंद करना चाहते हैं, तो ये वाली स्विच हमारी ऊपर की है, तो इसको हमने बंद कर दी। बंद करने पर यहाँ पर कनेक्ट हो गया। अब जैसे आपको ऊपर से फिर से नीचे की तरफ आनी है, तो ये ऊपर वाली स्विच को जो है हम ऑन कर देंगे। देखो ये ऑन कर दिया हमने, और ये जो है हमारी बल्ब जो है वो जल जाएगी। ये देखो ये बल्ब हमारी जल गई। अब मान लीजिए नीचे हम आ चुके हैं सीढ़ी से, और हमें इस बल्ब को बंद करनी है, तो अभी क्या करना है, सिंपली जो है स्विच वन को हमें नीचे की तरफ टच कर देना है, और ये जो है हमारी जो लाइट है वो बंद हो चुकी है। सो आई होप गाइज कि आपको ये वीडियो से इतना कंसेप्ट तो क्लियर हो गया होगा कि कैसे जो है नॉर्मली जो है स्विच वर्क करती है, जो थ्री वे स्विच होती है उसे कैसे कनेक्शन की जाती है, और कैसे जो है किस वर्किंग प्रिंसिपल से जो है वो काम करता है, वो सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे गाइज। और अगर आपको इस वीडियो से आपकी कंसेप्ट अगर क्लियर हुआ हो गाइज, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना। ऑब्वियसली अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इस तरह से हम छोटे छोटे मिनी मिनी प्रोजेक्ट्स जो है आपके लिए लेके आते हैं, ताकि आप स्कूल में या अपने कॉलेज लाइफ में जो है आप अपने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को बना के जो है सबमिट कर पाएँ। अब बहुत जल्द आपको बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे, जो आपके कैरियर में आपको कहीं ना कहीं जो है ऊपर ले जाएगा, आपकी IQ लेवल जो है वो थोड़ी सी इंक्रीज होगी, और कहीं ना कहीं जो है आप इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल फील्ड में आप कहीं ना कहीं जो है फ्रीडमली जो है आप वॉक कर पाओगे। सो आज के इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।